वेलकम बैक एवरी वन रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन फ्रॉम क्लास एट सोशल साइंसेज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मास मूवमेंट्स द लिटरल मीनिंग ऑफ मास मूवमेंट मीन्स मूवमेंट ऑफ रॉक्स डेबरिश सॉयल फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स डाउन अ स्लोप तो मास मूवमेंट का कौन कौन सा कारण या कौन कौन सा कारक है ऑप्शन नंबर वन अर्थक्वेक अर्थक् के कारण एक प्रकार का वाइब्रेशन या अर्थक्वेक खुद अपने आप अप में एक प्रकार का वाइब्रेशन है जिसके कारण हिली एरिया में माउंटेनियस एरिया में मास मूवमेंट ट्रिगर हो सकता है लेकिन ड्राउट मास मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है ऑप्शन नंबर टू फ्लड्स के कारण पहाड़ी एरिया में एनोनोमस एम्पल रेन के कारण भी एक प्रकार का मास मूवमेंट हो सकता है लेकिन ड्राउट यहां पे नहीं होगा ऑप्शन नंबर थ्री ड्यू टू ह्यूज प्रिसिपिटेशन और हैवी डाउन एंड वोल्केनिक एक्टिविटी बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर मास मूवमेंट सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है ऑप्शन नंबर वन माइक्रो बायोलॉजिकल एक्शंस माइक्रो बायोलॉजिकल एक्शंस फैसिलिटेट ह्यूमिसिफिकेशन आपको पता है कि सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर को हम लोग दो ब्रॉडर कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं फर्स्ट वन इज एक्टिव फैक्टर सेकेंड वन इज पैसिव फैक्टर एक्टिव फैक्टर में जनरली क्लाइमेट एंड माइक्रो बायोलॉजिकल एक्शंस बट ऑन द अदर हैंड पैसिव फैक्टर में पेरेंट मटीरियल देन रिलीफ एंड फाइनली टाइम आता है तो माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शन ह्यूमस बनाने में या प्रोसेस ऑफ ह्यूमसिफिकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट का मतलब है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है हाइट एंड स्लोप स्लोप्यूमुलेशन रिलीफ फैक्टर के कारण टेरेन के कारण वहां पे कितना स्लोप है कितना कम स्लोप है कितने स्टीप स्लोप है कितना जेंटल स्लोप है, है ये सॉइल के एक्यूमुलेशन को प्रभावित करता है वहां पे सॉयल होराइजन का थिकनेस ज्यादा होगा या कम होगा यह टाइम के साथ साथ हाइट और स्लोप से भी कहीं ना कहीं डिसाइड होता है ऑप्शन नंबर थ्री टू भी बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर थ्री को अगर आप देखें पेरेंट मटीरियल रेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन रेस ऑफ रेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन में या डिस इंटीग्रेशन के रेट को अफेक्ट करने में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर में क्लाइमेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसमें टेम्परेचर लाइक वेदरिंग जिसमें की बात करें और रेनफॉल या फिर प्रिसिपटेशन की बात करें जो किसी भी पेरेंट रॉक को या चट्टान को डिसइंटीग्रेट करके उसे सॉइल फॉर्म में कन्वर्ट करने में फ्रॉम वेदरिंग या एज अ वेदरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो यहां पे पेरेंट मटेरियल रेट ऑफ इंटीग्रेशन को अफेक्ट नहीं करता है क्लाइमेट रेट ऑफ इंटीग्रेशन को अफेक्ट करता है सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट Are correct. से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है लैंड यूज बाई फिजिकल फैक्टर फिजिकल फैक्टर के द्वारा लैंड यूज पैटर्न डिटरमाइन होता है डिसाइड होता है बट ओनली फिजिकल फैक्टर नहीं है अलॉन्ग विदिकल फैक्टर ह्यूमन फैक्टर का भी अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑप्शन नंबर वन इज रॉन्ग ऑप्शन नंबर टू कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट लैंड प्राइवेट लैंड जो इंडिविजुअल के द्वारा जिस लैंड को हायर किया जाता है जो उनके पर्सनल पर्पस के लिए ज्यादा यूज होता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स एक कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी के कॉमन यूज के लिए यूज किया जाने वाला एक प्रकार का रिसोर्स है जैसे अगर हम लोग बोलें कि अगर एक ऐसा लैंड जिसे हम लोग फॉर्डर के कलेक्शन के लिए फ्रूट्स के कलेक्शन के लिए नट्स के कलेक्शन के लिए मेडिसिनल प्लांट्स के लिए यूज करते हैं दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बट कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का एग्जाम्पल ये है जो प्राइवेट लैंड की बात करें वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का एग्जाम्पल नहीं है ऑप्शन नंबर टू इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन नंबर थ्री इन इंडिया द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर पेशर एंड फॉरेस्ट इंडिया में सबसे बड़े एरिया में जो परसेंटेज पाया जाता है वो क्रॉप लैंड का पाया जाता है जो आपके बुक में अराउंड 57 परसेंट दिया हुआ है लेकिन अगर हम लोग फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट का परसेंटेज अराउंड 22 परसेंट हालांकि ये भी फ्लक्चुएटिंग है किसी साल बढ़ जाता है किसी साल घट जाता है अगर पेशर लैंड की बात करें तो ओनली 4 परसेंट ड्यू टू एक्सेसिव पॉपुलेशन प्रेशर हमें दिखता है सो ऑप्शन नंबर थ्री इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन नंबर फोर को देखें रेगुलेटेड ग्रेजिंग इज द इफेक्टिव वे टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने का सबसे इफेक्टिव वे है कि जो भी ग्रेजिंग लैंड है उसे एक्सेसिव यूज उसका ना किया जाए अगर उसका कंट्रोल यूज करेंगे रेगुलेटेड करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर ग्रेजिंग एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं जो फर्दर सॉइल इरोजन को कंट्रोल करेगा रोकेगा और लैंड के फर्दर डिग्रेडेशन को वो क्या करेगा अभी रोकेगा यहां सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग मिटिगेशन टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव द डील लैंड स्लाइड से डील करने में या लैंडस्लाइड के इफेक्टिविटी को कम करने में किस प्रकार की मिटिगेशन टेक्निक्स को हम लोग क्या करते हैं प्रायोरिटी देते हैं या हम जनरली प्रोमोट करते हैं लैंड प्रोन एरिया कैन नॉट एवॉइडेड टू सेटलमेंट लैंड स्लाइड प्रोन एरिया को सेटलमेंट के लिए एवॉइड किया जाना है तो नॉट लगकर ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया रॉन्ग हो गया जो लैंड स्लाइड प्रोन एरिया हिमालय की देखें वेस्टर्न हिमालय को देखें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखें वेस्टर्न घाट को देखें जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर पे लैंड स्लाइड की एक्टिविटीज़ होती है उन्हें जनरली सेटलमेंट के लिए एवॉयड किया जाए ऑप्शन नंबर टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग लैंड एरिया फर्दर अपने स्लोपी एरिया में स्लिप ना करे तो वहां पे हम रिटेंशन वॉल बना के बहुत सारी माल की क्षति को रोक सकते हैं और लैंड स्लाइड की फ्रीक्वेंसी को भी कम कर सकते हैं सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सलाइन वाटर इज द मोस्ट प्रिसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ सिलाइन वाटर बेशक हमारे पृथ्वी का ऑलमोस्ट नाइन्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट पार्ट कवर करता है बट इसमें फ्रेश वाटर का कंटेंट हंड्रेड परसेंट में देखिए तो टू पॉइंट फाइव परसेंट ओनली है तो सिलाइन वाटर हमारे अर्थ का सबसे प्रीसियस सब्सटेंस नहीं है अर्थ का सबसे प्रीसियस सब्सटेंस हमारा फ्रेश वाटर है साफ पानी या जिसे हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज के लिए जनरली यूज करते हैं ऑप्शन नंबर वन इज रॉन्ग वाटर कैन बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट ना तो आप वाटर के कंटेंट को बढ़ा सकते हैं ना ही उसे आप कम कर सकते हो है ना इसीलिए उसका जो अमाउंट है या उसकी जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है ऑप्शन नंबर टू इज ऑलसो रॉन्ग थ्री को देखें प्रेसिपिटेशन इज द मोस्ट एक्टिव प्रोसेस इन वाटर साइकिल अगर वाटर साइकिल की बात करें इसमें कई सारे प्रोसेस अलोंग विद प्रेसिपिटेशन इन्वॉल्व होते हैं लाइक ट्रांसपरिशन देन इवापोरेशन देन कंडेंसेशन तो आप सिर्फ यहां पे प्रेसिपिटेशन को मोस्ट एक्टिव फॉर्म इन द वाटर साइकिल आप नहीं मान सकते हो सो ऑप्शन नंबर थ्री इज आल्सो प्रॉब्लमेटिक और रॉन्ग सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इसमें कोई भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है फॉलोइंग पर्प आर नॉट एसोसिएटेड विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे किसी भी कंट्री का या इंडिया का सबसे अपैक्स सबसे सुप्रीम लॉ कहा जाता है कौन सा पर्पज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एसोसिएट नहीं होता है टेल्स अबाउट फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सोसाइटी के फंडामेंटल नेचर को रिफ्लैक्ट करता है बिल्कुल सही है ये ऑप्शन नंबर टू मीनिंगफुल अग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल अगर आप संविधान के बनने की प्रक्रिया को देखें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ ही हमारे संविधान या हमारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की शुरुआत भी हो चुकी थी और उनके आइडियाज उनकी, उनकी ड्रीम्स को भी हम अपने संविधान में देख पाते हैं ऑप्शन नंबर थ्री नेचर ऑफ कास्ट डिविजन कोई भी हेल्दी सिविलाइज डेमोक्रेटिक कंट्री कास्ट डिवीजन को कभी भी सपोर्ट कभी भी उसे प्रमोट नहीं करेगी तो हमारा संविधान कभी भी कास्ट डिवीजन को सपोर्ट नहीं करता है ना ही कास्ट डिवीजन की बात करता है सो ऑप्शन नंबर थ्री अगेंस्ट द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर एज पर दिस क्वेश्चन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया आर पार्ट ऑफ इंडिया जो अपने आप में एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हमारे सामने प्रेजेंट करता है तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसके पार्ट हैं ऑप्शन नंबर वन ओनली पार्लियामेंट ऑप्शन नंबर टू ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली थ्री बोथ फोर नन ऑफ दीज अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें सेंट्रल लेवल और यूनियन लेवल एंड स्टेट लेवल सो द एपैक्स लेवल लेजिस्लेटिव एट द सेंट्रल लेवल इज पार्लियामेंट जिसके पार्ट ट अपर हाउस एंड लोअर हाउस होते हैं और स्टेट में जो होता है हम उसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट के मेंबर को एम पी और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को एम कहते हैं दोनों अपने आप में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पार्ट होते हैं सो द आंसर सी बोथ द राइट आंसर एस पर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ मेकिंग लॉ एग्जीक्यूटिव लॉ जनरली नहीं बनाती है लॉ बनाने का जिम्मा ड्यूटी लेजिस्लेटिव को दिया गया है वन इज रॉन्ग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द मोस्ट पावरफुल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पावरफुल नहीं होती सबसे पावरफुल यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को माना गया है अंडर फेडरलिज्म स्टेट्स आर नॉट मेरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री में किसी भी नेशन में किसी भी सॉवरेन में एक साथ एक से ज्यादा लेवल पर गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का को एग्जिस्टेंस होना और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक प्रकार का इंटरचेंज एक प्रकार का बैलेंस एक प्रकार के ड्यूटीज एक प्रकार के अधिकार एक प्रकार के पावर्स का जो एक्सचेंज है और इसके कारण ही कोई भी कंट्री एक बेहतर फेडरल गवर्नमेंट में क्या होती है अपने आप को परिभाषित करती है लेकिन यहां पर आप स्टेट को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का या यूनियन गवर्नमेंट का एजेंट आप नहीं मान सकते बल्कि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ अपने फंक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो द ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है एक बार ऑप्शन नंबर डी को भी देख लें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू पीपल अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे पीपल का शासन है पीपल का, पीपल पीपल का के के लिए द्वारा किया गया शासन अगर एब्राहम लिंकन सर की भाषा में अगर हम लोग बोले तो जहां पे पीपल अपने अधिकार कहीं ना कहीं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देते हैं डिसीजन मेकिंग का अधिकार उन्हें देते हैं उन्हें इलेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं कही उनके द्वारा वो रूल मेकिंग में या फिर रूल को एनफोर्स करने में वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो यहां पे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट रिस्पॉन्सिबल नहीं है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट तो ऑप्शन नंबर फोर इज रॉन्ग सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और थ्री हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन पास्ट एंड थिंग्स हैव हिस्ट्री किस चीज़ के बारे में पास्ट में क्या थी और प्रेजेंट में चीज़ें क्या हो रही तो पास्ट से प्रेजेंट में हिस्ट्री किस चीज़ के बारे में बात करता है किस प्रकार से इवोल्व हुआ किस प्रकार से वह खत्म हुआ या कंप्लीट हुआ किस तरीके से वो शुरू हुआ या पहले कौन सी चीजें थी आज कौन सी चीजें हैं सो so, हिस्ट्री कहीं ना कहीं चेंजेस के बारे में क्वांटिटेटिव चेंजेस के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंजेस के बारे में हम लोग जनरली हिस्ट्री में या जनरली हम लोग हिस्टोरियोग्राफी में हम लोग चीजों को स्टडी करते हैं तो हिस्ट्री का मतलब इतिहास का मतलब यहाँ पे है कि जो चेंजेस को एक क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में या टाइम पर्सपेक्टिव में चीजों को स्टडी करता है और हिस्ट्री का मतलब ही है पास्ट ऑफ द प्रेजेंट जो प्रेजेंट के पास्ट को स्टडी करता है कि हमारे प्रेजेंट का पास्ट कैसा था और पास्ट से प्रेजेंट में किस किस प्रकार के क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस हुए हैं सो पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेंज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सिनोनिमस विद द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड वेरी डिफिकल्ट टू मेमराइज किसे आप किस टर्म को आप हिस्ट्री का ऑलमोस्ट सिनोनिमस या पैरल या इंटरचेंजेबल मान सकते हैं और जनरली हिस्ट्री को हम लोग डेट्स में सीमित करते हैं और मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं बट हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट द ओनली डेट्स एंड टू मेमोराइज ऑप्शन नंबर वन डेट्स हो सकता है सेंसस नहीं होना चाहिए सर्वे हिस्ट्री को जानने का फैक्ट्स को कलेक्ट करने का स्टडी करने का माध्यम तरीका हो सकता है आर्टिफैक्ट्स भी एक इम्पॉर्टेंट लेकिन डेट्स की बात करें तो डेट्स का मतलब ही होता है कि जो चेंजेस को स्पेसिफाई करता है एक स्पेसिफिक टाइम में लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम में हम इतिहास को नहीं देख सकते उसके पहले की परिस्थितियां और एज ए कॉन्सिक्वेंसेस उसके बाद की परिस्थितियों को भी हम डेट्स और उनसे जुड़े हुए चेंजेस से जोड़ के देख सकते हैं सो एज पर दिस क्वेश्चन द वन ऑफ द मोस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेट्स What could the tyranny of majority result in our democracy? मेजोरिटी के आधार पे अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फॉर्म करता है लेकिन मेजोरिटी किसी कंट्री की ताकत लेकिन उस ताकत को अगर हम नेगेटिवली देखें तो वो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन वाले पॉइंट को भी हमारे सामने रखता है तो व्हाट कुड बी द टायरे ऑफ मेजोरिटी रिजल्ट इन ऑप्शन नंबर वन डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है जो मेजोरिटी में जो कास्ट है जो पीपल है जो लोग हैं जो कम्युनिटी है हो सकता है माइनॉरिटी को वो हार्म कर सकते हैं ऑप्शन नंबर टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कई बार होता है बोथ भी हो सकता है इनमें से कोई नहीं द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ वाट रेफर्स टू द स्टेट्स एफर्ट टू इन्फ्लुएंस अ पर्टिकुलर मैटर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं बोलूं कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्टेट किसी भी मैटर में अगर इन्फ्लुएंस करता है अगर वो हस्तक्षेप कर रहा है तो उसे आप क्या कह सकते हैं नन ऑफ दीज के ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए अगर हटा दें मीडिएशन आप दिख सकते हैं क्वेरिशन दिख सकते हैं बट द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज इंटरवेन करना हस्तक्षेप करना राइट आंसर इज इंटरवेन वट वॉज द रीजन बिहाइंड एबोल्यूशन ऑफ द एविल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हमारे संविधान के आर्टिकल सेवनटीन फंडामेंटल राइट्स में अनटचेबिलिटी का एबोलिशन लेकिन अनटचेबिलिटी को क्यों क्यों एबोलि एबोलिशन किया गया क्यों अन को खत्म किए जाने की बात हमारा सबसे सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन करता है ऑप्शन नंबर वन इसके द्वारा हम लोग पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन है और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है आर्टिकल सिक्सटीन का मतलब होता है वो आपको अपॉर्चुनिटीज से अलग करती है आपको राइट टू अपॉर्चुनिटीज के अधिकार को आपसे छीनती है यहाँ पे सो so कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है तो तक अगर आपकी एक्सेसिबिलिटी खत्म होती है आप अवसर से वंचित होते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का अभाव का कंडीशन एक प्रकार की आप हो सकते हैं कि गरीबी की कंडीशन आपके लिए क्रिएट वहां पे हो सकती है सो द बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी पोथ सेक्युलरिज्म मीन पंथ निरपेक्षवाद का मतलब क्या है स्टेट इज अगेंस्ट टू ऑल रिलीजन देखिए अगेंस्ट होना और किसी धर्म को ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करना या स्टेट अपने आप को किसी पर्टिकुलर रिलीजन से टाई अप नहीं करता हर रिलीजन के प्रति उसका इक्वल सपोर्ट होता है लेकिन किसी रिलीजन का वो विरोध नहीं करता है तो अगेंस्ट किसी भी रिलीजन के नहीं होता है ऑप्शन नंबर टू अगर अगेंस्ट नहीं है हर किसी के प्रति उसका सपोर्ट है किसी एक पर्टिकुलर को वो अपने अपना राजधर्म घोषित नहीं करेगा इसका मतलब ये है कि स्टेट एक्सेप्ट ओनली वन रिलीजन नहीं सभी धर्म के प्रति उसका समान सम्मान समान, समान व्यवहार होता है लेकिन इसका कदापि यह मतलब नहीं है कि ना तो वह किसी एक धर्म को स्वीकारेगा ना ही सभी धर्मों का विरोध करेगा बल्कि सभी धर्म के प्रति उसका इक्वल रिस्पेक्ट उसका इक्वल बिहेवियर उसका इक्वल एक्शन हमें देखने के लिए मिलता है सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर नन ऑफ दी सेक्युलरिज्म का इन दोनों में से कोई भी मतलब जनरली नहीं होता है याद रखिएगा नेक्स्ट वन द इंडियन स्टेट इज भारतीय राज्य को देखें रूल्ड बाय द रिलीजियस ग्रुप नहीं रिलीजियस ग्रुप का मतलब ही होता है कि सेक्युलरिज्म नहीं होना और सेक्युलरिज्म का मतलब स्टेट अपने आप को रिलीजियस अफेयर से रिलीजियस मैटर से वो क्या करेगा अलग रखेगा सो so, किसी भी रिलीजियस ग्रुप के द्वारा वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्ट होने नहीं देता है ऑप्शन नंबर टू सपोर्ट्स स्पेसिफिक रिलीजन बिल्कुल भी नहीं होगा सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज सो so, इस डिस्कशन में इतनी ही बातें आई होप इन सभी सवालों की डिस्कशन से एनालिसिस से विश्लेषण से आपको सवालों के उसके सही जवाब को और गलत जवाब है तो क्यों है उनको समझते हुए उस टॉपिक को दोबारा रिविजिट करते हुए उस टॉपिक के मूलभूत बिंदुओं को और अच्छे से समझने में मदद हो पाएगी अगले वीडियो में कुछ और सवालों को विश्लेषण करने के लिए हम दोबारा आएंगे तब तक आप रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच